हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ वोलेटरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड वोलेटरा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं। कंसीडर द नॉन होमोजीनियस वोलेटरा इंटीग्रल इक्वेशन जो कि एफ एक्स बराबर लेमडा 0 to x के एक्स जाई यू जाई डी जाई जो कि इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू जाई है। वेयर द कर्नल के एक्स जाई इज द डिफरेंस कर्नल। यहाँ पे हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं जिसमें के एक्स जाई जो है वो डिफरेंस कर्नल है, यानी के एक्स जाई को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कोई अलग अलग फॉर्म में, यानी कि जी एक फॉर्म जो जिसको हम एक्स माइनस जी की वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन वन कैन बी रिटर्न, तब उस कंडीशन में हमारे पास ये क्या क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर लेमडा 0 to x और ये हो गया जी एक्स माइनस झाई यू झाई और डी झाई जो कि कॉन्वोलेशन है हमारे पास। इसको क्या कहते हैं, इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं कॉन्वोलेशन ऑफ जी एक्स एंड कॉन्वोलेशन ऑफ यू एक्स। तो इन दोनों फंक्शन का कॉन्वोलेशन है और लेमडा बाहर है तो लेमडा मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, यानी एफ एक्स बराबर ये हो गया। अब यहाँ से हमारे पास अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा एफ एस बराबर लेमडा जी एस यू एस, ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम यू एस निकालना चाहें तो यू एस बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली 1/लेमडा, क्योंकि यहाँ से हमें यू एस निकालना है तो जी एस का इधर डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा 1/लेमडा डॉट एफ एस अपॉन जी एस। उसके बाद इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया तो यू एक्स बराबर आ जाएगा 1/लैम्डा एल इनवर्स एफ एस अपॉन जी एस। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं इसमें। अब सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन, ये इंटीग्रल इक्वेशन है साइन एक्स बराबर लैम्डा 0 to x ई टू द पावर एक्स माइनस जाई यू जाई डी जाई। अभी अगर यहाँ देखें तो ये फंक्शन जो है डिफरेंस की फॉर्म में है, डिफरेंस फंक्शन यानी एक्स माइनस जाई की फॉर्म में है, तो ये हो गया हमारे पास के एक्स जाई बराबर ई टू द पावर एक्स माइनस जाई जो कि डिफरेंस फंक्शन है जी एक्स माइनस जाई। तो यहाँ से बेसिकली जी एक्स बराबर क्या है, ई टू द पावर एक्स। तो इक्वेशन वन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इक्वेशन वन को लिख सकते हैं साइन एक्स कॉन्वोल्यूशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एंड यू एक्स, ये हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे, और लेमड़ा यहाँ पर है ही। अब दोनों तरफ हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एल साइन एक्स प्लस लेमड़ा, लेमड़ा कॉन्स्टेंट है क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ या कॉन्स्टेंट सी कॉन्स्टेंट एफ एक्स। अगर हम इस तरह से निकाल लें तो सी जो है वो बाहर आ जाता है और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स रह जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह से, और साथ ही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दो कॉन्वोल्यूशन फंक्शन एफ एक्स स्टार जी एक्स, अगर दो फंक्शन का कॉन्वोल्यूशन है उन पे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें, सॉरी यहाँ एफ नहीं है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तो उस कंडीशन में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स डॉट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी एक्स, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है जो कि हमने पहले देखी थी। तो यहाँ से ये हो गया लेमडा और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई टू द पावर एक्स एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू एक्स। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन एक्स जो कि सिंपली फॉर्मूला भी होता है और निकाल भी सकते हैं, बेसिकली इसको निकालते हैं हम 0 to x ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स, सॉरी ई टू द पावर लेमडा, अगर यहाँ पे एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 to x है तो लेमडा एस, जहाँ पे एस जो है वो लाप्लास वेरिएबल है ऑफ साइन एस डी एस। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो कि आएगा 1/s² + 1 और लेमडा और एल ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है हमारे पास 1/s - 1। तो ये हो गया बेसिकली ई टू द पावर ए एक्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है 1/s - a, जो कि फॉर्मूले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के जो कि हमें याद होने चाहिए। और ये हो गया हमारे पास लेमडा एस अपॉन एस माइनस वन और यू एस, तो ये हो गया यहाँ से हमारे पास यू एस बराबर लेमडा का इधर डिवाइड कर दिया और एस माइनस वन का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1/लेमडा एस माइनस 1/s² + 1। तो इसको पार्शियल फैक्टर, इसको हम लिख सकते हैं
बेसिकली एस ये 1/लैम्डा को बाहर, और इसको एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये हो गया। तो अब दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, अब हमें लेना है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/s² + 1। बट एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है? कॉस एक्स का। कॉस एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो होता है हमारे पास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। और साइन एक्स का जो होता है वो होता है 1/s² + 1। अब इनका जो, ये तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कॉस एक्स, अब दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे, तो ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से कॉस एक्स आ जाएगा, तो ये आ गया कॉस एक्स और ये आ गया इधर साइन एक्स। तो यू एक्स बराबर आ गया 1/लैम्डा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसी तरह से फ्रेंड्स, आप नीचे दिए हुए क्वेश्चन यानी क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है, सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन एक्स बराबर 0 to x कॉस एक्स माइनस जाई यू जाई डी जाई, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसका आंसर आएगा 1/x² + 1। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, हम ये एक थ्योरम है जो सॉल्व करेंगे, थ्योरम के प्रूव के बाद एक एग्जांपल लेंगे, जिसमें हम रिड्यूस द इंटीग्रल इक्वेशन, इस इंटीग्रल इक्वेशन को टू द सेकंड काइंड एंड हेंस सॉल्व, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चेक करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।